हम बात कर रहे हैं GMR एयरपोर्ट इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो GMR में हमको 2% के ऊपर का अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। अपने मेजर सपोर्ट 80 के लेवल से इसमें बाइंग आते हुए नज़र आ रही है, लेकिन स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है? जंप पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पर लो ब्रेकडाउन, लगातार बड़ी गिरावट दिखाई है। हमने डिस्कस भी किए थे कि 90 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो नीचे की ओर 80 मेजर सपोर्ट रहेगा और उसी सपोर्ट से बाइंग देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक में रिकवरी आते हुए नज़र आ रही है, लेकिन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जंप पर स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको थोड़ा सा अवेयर भी रहना है, क्योंकि जंप के साथ अगर रिजेक्शन लेता है तो वैसी कंडीशन में 68-70 तक का फॉल फिर स्टॉक दिखा सकता है, फिर इस लेवल से खेल के पलटने के चांस बनेंगे। इसी लेवल से क्यों, तो आइए बड़े टाइम फ्रेम पर एक दफ़ा हम चार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले जब गिरावट आई थी बड़ी, तो स्टॉक ने 68-70 के सपोर्ट से ही बाउंस बैक किया था, रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करके 100 तक का जंप दिखाया था। तो नीचे की ओर 68-70 का जो लेवल है, तगड़ा और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है GMR के लिए। लेकिन जैसे कि चार्ट पैटर्न अब दिखा रहा है कि 80 के लेवल से बाइंग आ रही है, तो इस बाउंस बैक के साथ 84 ब्रेकआउट के बाद ये जो आप हाई देख पा रहे हो जहाँ से रिजेक्शन के साथ लगातार गिरावट है, 90 यहाँ तक का जंप दिखा सकता है, लेकिन अपना रिसेंट हाई 90 का लेवल ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2-3 दिन भी सस्टेन हो गया GMR इंफ्रा, तो अगेन यहाँ से 100 तक का जंप दिखा सकता है। फिर 100 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, 100 का लेवल फिर मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।